हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए हम आज अपने नए वीडियो पे जो है एक्सटीरियर इमल्शंस के बारे में। एक्सटीरियर इमल्शंस वही इमल्शंस होते हैं जिसको हम बाहर करते हैं, जिस पे धूप का, पानी का, बारिश का, मिट्टी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज हम उन्हीं इमल्शंस की बात करेंगे नैरोलक पेंट्स के। आज का हमारा स्टार्टिंग रेंज का प्रोडक्ट है जो सबसे लो बजट इमल्शन है हमारा एक्सटीरियर के लिए, वो है नैरोलक सुरक्षा। नैरोलक सुरक्षा मैट फिनिश के अंदर आता है और जो एंटी फेडिंग है, एंटी चॉकिंग है, कलर अगर आप कोई उसमें अंदर बनवाएंगे तो वो फेड नहीं होगा, एंटी फेडिंग भी है और भी इसमें कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो अनमैच्ड हैं इस क्वालिटी के अंदर, इस प्राइस रेंज के अंदर बाकी कंपनियों से। अब बात करें इसी कवरेज की, तो इसी कवरेज आती है 50 से 60 स्क्वायर फुट डबल कोट के अंदर। ये जो इमल्शन आते हैं एक्सटीरियर इमल्शन, चाहे सबसे सस्ती रेंज के हो या बिल्कुल ही हाई एंड सबसे महंगे इमल्शंस हो, ये सारे के सारे फुली वॉशेबल इमल्शंस होते हैं। ना इन पे धूप का फ़र्क पड़ना है, ना पानी का फ़र्क पड़ना है, ना किसी मॉइस्चर का फ़र्क पड़ना है। कोई धूप आ रही है उसके बाद पानी आ रही है, बारिश हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पपड़ी बना देगा या इसी तरीके की कोई निशान दीवार पर बाहर छोड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी लाइफ की बात करें तो इसकी लाइफ अराउंड रहती है 3 से 4 साल, जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। एंड अब बात करते हैं इसके अमाउंट की, मतलब इसके प्राइस की, तो ये अराउंड आता है 120 से 160 रुपए पर लीटर। बहुत ही अच्छा है, इकोनॉमिक रेंज पे है। आपने रेंटल पर्पस पे कराना है, साइड की दीवार पे कराना है या आपने फ्रंट पे भी कराना है, उसके लिए भी नो डाउट बहुत ही अच्छा इमल्शन है ये। इसमें जो शेड रेंज मिलती है वो हमें मिलती है 1000 से प्लस शेड्स, जिसमें से हम अपने दीवारों को सजा सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं। आ गए हम अपने अगले प्रोडक्ट पे जो है नैरोलक सुरक्षा प्लस। प्लस मतलब आपकी नैरोलक सुरक्षा से ऊपर की रेंज। ये एक मैट फिनिश इमल्शन है जो एंटी फंगल है, एंटी फेडिंग है, एंटी एल्गी है, एंटी बैक्टीरियल है और हर चीज़ ये एंटी है। एंड ये लेड फ्री इमल्शन आता है एक्सटीरियर के लिए। एंड कवरेज की बात करें तो इसकी कवरेज अराउंड आती है 100 से 120 स्क्वायर फुट डबल कोट के अंदर। एंड इसकी लाइफ अराउंड 4 से 5 साल आती है। एंड इसके अंदर शेड रेंज की बात करें तो 1300 से प्लस शेड्स मिलते हैं जिसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो ये इमल्शन है ये भी फुली वॉशेबल होता है, इसका मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये भी पूरी की पूरी वो वाली सारी चीज़ें कवर करता है। अब बात करें इसकी प्राइस रेंज की, तो इसकी प्राइस रेंज आती है अराउंड 150 से 200 रुपए के बीच में आती है। अब थोड़ा सा फ़र्क समझते हैं नैरोलक सुरक्षा और नैरोलक सुरक्षा प्लस में। अगर आप नैरोलक सुरक्षा प्लस लेते हैं तो आपको अमाउंट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको कवरेज में, लाइफ में, शेड कलेक्शन के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। सो मेरे हिसाब से दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि आप थोड़ा सा और खर्च कर सकते हैं, सो यू शुड गो फॉर नैरोलक सुरक्षा प्लस। आ गए हम अपने अगले प्रोडक्ट पे जो है नैरोलक एक्सएल WDF, इसका मतलब वेदर डिफेंस फार्मूला। और वेदर डिफेंस फार्मूला है 100% एक्रेलिक रेजिन, जो टफ एंड प्रोटेक्टिव फ्लेक्सिबल फिल्म बनाती है आपकी वॉल्स पे, जो देती है हाई परफॉर्मेंस। और इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं हल्का सा सॉफ्ट शीन फिनिश वाला पेंट, जो जिसकी कवरेज अराउंड है 130 से 150 स्क्वायर फुट। जो एक्सेल प्रोडक्ट है ये बेस्ट सूटेड रहता है जहाँ पे एल्गी का कंटेंट या फंगल जो होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे कोई मॉइस्चर वाले एरियाज़ हो गए या कोई मॉनसून के साइड वाले एरियाज़ हो गए जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे बेस्ट सूटेड प्रोडक्ट है। अब बात करें इसकी कवरेज की, तो इसकी कवरेज 130 से 150 स्क्वायर फिट है और इसकी जो लाइफ है वो अराउंड आएगी 4 से 5 साल। और शेड रेंज की बात करें तो 1400 से प्लस शेड्स, जो इस रेंज के अंदर नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त कवरेज है, अमाउंट है और शेड की रेंज है। जो एक्सेल प्रोडक्ट आता है ये आता है हीट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ, जो आपके घर के टेम्परेचर को करता है 5 डिग्री सेल्सियस तक कम। और अब बात करें इसकी प्राइस रेंज की, तो इसकी प्राइस रेंज अराउंड आती है 250 से 350 रुपये। बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो सूट करेगा आपके घर को। अब आ गए हम अपने अगले प्रोडक्ट पे जो है एक्सएल माइका मार्बल। हर दूसरे तीसरे बंदे से आप पूछते होंगे तो वही कहता होगा कि भैया माइका मार्बल करा रखा है। पहले तो ये समझ नहीं आता था कि माइका मार्बल है क्या,
किसी तरीके की लकड़ी है या किसी तरीके का मार्बल है, यही समझ नहीं आता था। आज हम ढंग से समझेंगे कि ये प्रोडक्ट है क्या। ये एक मिड रेंज का प्रोडक्ट है जिसको हम बोल सकते हैं, जो बहुत ही ड्यूरेबल है, प्लस यूवी रेजिस्टेंस के साथ आता है। एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, लो वीओसी है, लेड फ्री है, और एंटी फेडिंग है, एंटी पीलिंग है। हर तरीके से ये प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी में आता है। और जो ये प्रोडक्ट आता है, ये आता है डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी के साथ। इसका मतलब ये डस्ट कैच नहीं करता है, डस्ट को टिकने नहीं देता है, क्योंकि जो इसमें सिलिकॉन का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। वाटर रिपेलेंट है, मतलब वाटर पानी को टिकने नहीं देता, कि जो आपको कई बार दिखता है जैसे बारिश हुई, कोई मॉइस्चर हुआ तो लाइंस पड़ जाती हैं, तो उस तरीके की लाइंस माइका मार्बल के ऊपर नहीं दिखती है। अब बात करें इसी कवरेज की, तो इसकी कवरेज अराउंड आती है 100 से 120-130 स्क्वायर फुट तक जो निकलती है। जो एग्जैक्ट कवरेज इसकी आती है 120 से 130 स्क्वायर फुट निकलती है, बट कंपनी थोड़ा कम ही बोल के चलती है। बट अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इसकी कवरेज उससे ज़्यादा आती है। एंड जो इसमें आता है, इसमें भी हीट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी आती है, जो 5 डिग्री सेल्सियस तक आपके घर के टेम्परेचर को कम करती है। शेड रेंज इसमें हमें मिलती है 1400 से प्लस शेड्स, और जो इसकी प्राइस रेंज अराउंड आती है वो आती है 300 से 400 रुपये के बीच में। और जो इसकी लाइफ है, लाइफ अराउंड 5 से 6 साल ये प्रोडक्ट आपका ढंग से अगर लगा हुआ है, प्राइमर पुट्टी हर चीज़ कर रखी है, तो ये 5 से 6 साल ये प्रोडक्ट कहीं नहीं जाएगा, ये चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ। अब आ गए हम अपने अगले प्रोडक्ट पे, जो है एक्सेल टोटल। ये माना जाता है प्रोडक्ट अपनी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, और कंपनी इस पर ठोक बजा के, इसका मतलब स्टैंप लगा के देती है 7 साल की वारंटी। और कंपनी ऐसे तो देती नहीं है, क्योंकि कंपनी को भी पूरा का पूरा ट्रस्ट है कि इसकी जो एक्सपेक्टेशंस लोग करते हैं और कंपनी करती है वो बहुत ज़्यादा है, और ये प्रोडक्ट उस पर खरा उतरता है। ये जो प्रोडक्ट आता है, ये एंटी फेडिंग, एंटी एल्गी और आपका एंटी बैक्टीरियल है, हर चीज़ से पूरा का पूरा ये प्रोडक्ट बना हुआ है। और जो इसकी शीन फिनिश आती है वो हल्की सी रिफ्लेक्टिव है, मतलब थोड़ी सी शाइन इसमें आपको दिखती है। और अगर चॉइस की बात करें तो आपको इसमें मिलते हैं 1500 से प्लस शेड्स, और ये जो बेस्ट सूटेड है, मतलब जो इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो हैं हमारे आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स। वो इसलिए पसंद करते हैं, उनको पूरा का पूरा प्रोडक्ट पे भरोसा है, और ये काफ़ी टाइम से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं वो। सो उनकी कोई और चॉइस नहीं रहती, या तो माइका मार्बल पे जाते हैं या फिर वो जाते हैं टोटल पे। और जो मेन इसकी बात मैं करना चाहूँगा वो ये है कि जो इसकी कवरेज आती है वो आती है 140 से 160 स्क्वायर फुट, जो बहुत ही शानदार कवरेज है। और 7 साल तो मैंने आपको इसकी लाइफ बताई है, बट सारी चीज़ें होने के बाद तो इसकी लाइफ और ज़्यादा निकलती है। जो आजकल पसंद आ रही है कल लोगों की, वो आ रही है कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे आपका एक्सेल टोटल है, इसको हाई राइज बिल्डिंग हो गई, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हो गई, जो घर के ऊपर पैराफिट हो गए, जहाँ पे बार बार जाके पेंट नहीं हो सकता, जिसमें पेंट करवाने की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आ जाती है, कि झूला लगाना पड़ता है या कोई बड़ी वाली सीढ़ी लानी पड़ती हैं, उसके थ्रू पेंट करवाया जाता है, तो उसमें यूज़ करते हैं एक्सेल टोटल या फिर माइका मार्बल, क्योंकि इसके अंदर होता है एक्सीलेंट कलर रिटेंशन। मतलब जो कलर आप बनवाएंगे, चाहे वो प्योर वाइट हो या कोई कलर आप इसमें डलवाएं, वो वैसा का वैसा रहेगा, ना वो फेड होगा, ना वो फीका पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, वो शेड वैसा का वैसा रहेगा सालों साल। और अब बात करते हैं हम इसकी प्राइस रेंज ही, तो इसकी प्राइस रेंज अराउंड आती है 400 से 500 रुपए पर लीटर, जो बहुत ही बहुत ही बहुत ही किफ़ायती है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी है, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं एक्सटीरियर इमल्शंस के ऊपर, क्योंकि लाइफ आएगी तो बार बार की चिक नहीं है कि आपने हर 2 साल बाद पेंट कराना है, कलर भी फेड नहीं होगा कि भाई चल यार एक कोट मरवा देते हैं बाहर, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार आपने कराया और 5 से 6 साल की छुट्टी। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी नए कंटेंट के साथ। और आज जो मैंने नेरोलैक का एक्सटीरियर इमल्शंस की कैटेगरी भी ख़त्म कर दी है, और मैं एक चीज़ को और बताना चाहूँगा कि नेरोलैक की कैटेगरी के अंदर और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, मैंने सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बताए हैं जो ज़्यादा बिकने वाले हैं और जो मेरी रीजन में अवेलेबल हैं, और ज़्यादातर रीजन्स में अवेलेबल हैं वो प्रोडक्ट्स। और जो बीच के प्रोडक्ट्स आते हैं, कई बार मेरी रीजन में है तो दूसरे में नहीं है, दूसरे में है तो तीसरे में नहीं है, सो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार मेरे पर कमेंट्स आते हैं कि
सर जो आपने बताया वो हमें मिल नहीं रहा है, क्या कुछ और कराएं या कुछ और है? तो मैं इसलिए सारे प्रोडक्ट्स की रेंज कोशिश करी कि कवर कर दी मैंने इसके अंदर, कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से हैं नेरोलैक के सारे प्रोडक्ट्स, इंटीरियर और एक्सटीरियर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला जो मेरा व्लॉग आ रहा है, अगला जो मेरा वीडियो आ रहा है वो आएगा वाटरप्रूफिंग के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड।